जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले में शहीद ज्वाली के गांव धेवा गांव के तिलकराज शहीद की पत्नी को मुख्यमंत्री ने अपने वायदे के अनुसार सरकारी नौकरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ज्वाली के स्थानीय विधायक अर्जुन ठाकुर ने शहीद तिलकराज के परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही थी और शहीद की पत्नी सावित्री देवी को रोजगार नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था, जिसे आज हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार की तरफ से ज्वाली के विधायक अर्जुन ठाकुर के माध्यम से शहीद तिलकराज के घर जाकर शहीद की पत्नी सावित्री देवी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार का जो आश्वासन दिया था उसे आज अमली जामा पहनाकर पूरा कर दिया। और इस मौके पर एसडीएम ज्वाली अरुण शर्मा ने हारचकिया उप तहसील में जाकर शहीद तिलकराज की पत्नी सावित्री देवी को क्लर्क के पद पर ज्वाइनिंग करवाई। शहीद तिलकराज की पत्नी सावित्री देवी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्थानीय विधायक अर्जुन ठाकुर का धन्यवाद किया। वहीं ज्वाली के विधायक अर्जुन ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद के प्रति सम्मान प्रदान किया है। भारतीय सरकार की तरफ से जो हमें सहायता मिली है उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और विधायक अर्जुन सिंह, इन्होंने जो मेरे लिए जॉब का ऑफर और वादा किया था वो पूरा किया है, इसके लिए मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिससे मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाएगा और बच्चों को सही एजुकेशन मिलेगा। अब तू इनका पुत्र है, तेरे बच्चे भी पालेंगे साथ में। बस चुप कर, जी कहना है माननीय मुख्यमंत्री जिसने आज उसे गाली दी है, तो मैंने विशेष तौर पर आग्रह किया था कि शहीदों की पत्नियाँ इधर उधर धक्के खाती रहती हैं और उनको वो बाद में पूछता नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने उसी दिन आग्रह किया था कि आज ही जो करने वो आज ही करके जाना है, तो उसमें उन्होंने एक स्कूल के लिए कहा था, वो शहीद तिलकराज के नाम हो गया है, हाई स्कूल हो गया है। दूसरा रोज़गार के लिए कहा था, तो आज उस बेटी को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार भी प्रदान कर दिया गया है। मैं इसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, जो शहीदों के प्रति इतना सम्मान व्यक्त करते हैं, उनका विधायक के नाते भी, व्यक्तिगत रूप से भी और अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एन स्टार न्यूज़ के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।